नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर वन क्या है, रिवाइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा, रकमा बाई जनार्दन सावे, ठीक है। फिर सेकेंड में आएगा साने गुरुजी, और थर्ड में आएगा लाला लाजपत राय। फिर यहाँ पर सेकेंड क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट वन है सोशल वर्क ऑफ विट्ठल रामजी शिंदे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्या है, रिफॉर्म्स ऑफ राजश्री साहू महाराज इन द स्टेट ऑफ कोल्हापुर। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है, ये देखिए, पहले आप इतना सा देख लीजिए, इतना छोटा इसका आंसर नहीं है, अभी इसके आगे भी है, ठीक है। पहले आप इतना देखो, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए आगे का। फिर यहाँ पर नंबर थ्री क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजंस। तो इसमें फर्स्ट वन है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्रश डाउन द कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हमने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर टू क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स लाइक मूक नायक बहिष्कृत भारत एक्सेट्रा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, ये देखिए, पहले मैं आपको इतना दिखा देती हूँ, देखिए। फिर उसके बाद आगे का, ये देखिए, अब यहाँ पर नंबर थ्री है, देयर अराउज द नीड ऑफ नेशन वाइड वर्कर्स यूनियन। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, ये देखिए, अब यहाँ पर फोर्थ क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इम्पोर्टेंट इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है इसका आंसर, पहले तो आप इतना देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अब ये आगे का, अब यहाँ पर नंबर टू क्या है, राइट अबाउट द वर्क ऑफ साने गुरुजी इन ईस्टर्न कंडेस। तो इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पर है, आप देखिए इसका आंसर देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पर देखिए थर्ड वन क्या है, हाउ वॉज द स्ट्रगल बिल्ट अप बाई वर्कर्स डिसाइसिव फॉर द नेशनल मूवमेंट। तो देखिए बच्चों इसका आंसर आप देख सकते हो, पहले ना आप इतना देख लो, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, ये देखिए, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, मैं आपको पहले पहले आप इतना देखो, फिर मैं आपको पॉइंट वाइज करके दिखाती हूँ। अभी आप इतना देखो, ठीक है, चलिए अभी मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, ये रहा। अब यहाँ पर फोर्थ क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू विमेन। तो देखिए बच्चों इसका भी आंसर हमने लिखा है, पहले तो आप इतना देख लीजिए, उसके बाद आधा मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये हो गया। अब ये, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लेसन नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।